नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, का हाल बा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अग्रवाल्स में एक न्यू वीडियो में। तो गैस, आज की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मुझे ब्रेक नहीं मिल पा रहा था, बट अभी थोड़ा सा ब्रेक मिला है तो मैंने जल्दी से इस वीडियो की प्लानिंग की है। तो आज की वीडियो में स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे कि बिगनर्स कैसे शुरुआत कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एंड कुछ बातें डिस्कस करूंगा इसी से रिलेटेड, एंड वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए, वो है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट को आप ऐसे समझिए कि वो एक तरह का बैंक अकाउंट ही होता है, जहाँ पे बैंक अकाउंट में आप पैसों का लेन देन करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। वहीं डीमैट अकाउंट में आप शेयर्स का ट्रांजैक्शन करते हैं, शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। तो ये सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए। अब डीमैट अकाउंट आप कौन से ब्रोकर में खोलें, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट अभी मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलना है तो मैं यूज करता हूँ ग्रो। ग्रो में आप खोल सकते हैं, और उसके बाद आता है जीरोधा और फिर है धन। ये तीन ब्रोकर मैं यूज करता हूँ पर्सनली अभी इन्वेस्टिंग के लिए। तो ये तीन ब्रोकर्स की लिंक आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी, जहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अब बात करें दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो कि ज़रूरत होती है मार्केट में एंटर करने के लिए, वो है कि किस चीज़ की आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। अब मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स। इन चारों चीज़ों को मैं और ज़्यादा डिस्कस करूँगा आने वाली वीडियोज़ में। तो ये आप सभी को डिसाइड करना होता है कि किस जगह आपको इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स में करना है कि बॉन्ड्स में करना है, इंडेक्स फंड्स में या म्यूचुअल फंड्स में। सबका अपना अपना अलग रिस्क होता है, सबके अपने अपने अलग रिटर्न्स होते हैं, तो ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। बात करें तीसरे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो होती है कैपिटल एलोकेशन। मतलब कि आप अपना पैसा किन चीज़ों में कितना लगाएं। मतलब कि स्टॉक्स में काफ़ी टाइप्स के स्टॉक्स होते हैं, कुछ लार्ज कैप्स, कुछ मिड कैप्स, कुछ स्मॉल कैप्स और कुछ माइक्रो कैप्स भी होते हैं। तो उनमें भी आपको कैपिटल एलोकेशन करनी होती है, और भी डिफरेंट टाइप्स की एलोकेशन होती है, लाइक कुछ डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं, कुछ ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, कुछ ट्रेंड स्टॉक्स होते हैं। ये तो मैंने बात की स्टॉक्स की कैपिटल एलोकेशन की, बट ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो की भी एलोकेशन होती है, लाइक 30% आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, 20% बॉन्ड्स में, और आगे का आप इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना होता है कि कितना कैपिटल कहाँ एलोकेट किया जाए। बात करें चौथी सबसे ज़रूरी चीज़ की, वो होती है कि आप रिसर्च करें। मतलब कि स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके ऊपर पूरा एक रिसर्च करिए। रिसर्च की वीडियोस मैं आगे लेकर आने वाला हूँ कि कैसे मैं रिसर्च करता हूँ किसी स्टॉक को पिक करने से पहले। तो चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक्स में कर रहे हो, चाहे आप बॉन्ड्स में कर रहे हो, उसके पूरे पहले रिटर्न्स को समझिए, बिजनेस मॉडल को समझिए और कितना रिस्क है उसके अंदर। ये सब आपको स्टडी करना पड़ता है अगर आपको मार्केट में एंटर करना है। कभी भी बिना रिसर्च के एंटर करना चाहते हो आप तो वो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इस केस में आपके 90% चांसेस होते हैं कि आप लॉस खाएं। इसलिए पहले रिसर्च कीजिए, 1, 2, 3, 4 महीने आराम से रिसर्च करिए, बैठ के किसी भी स्टॉक को पिक करिए, उसके ऊपर स्टडी कीजिए कैसा उसका बिजनेस मॉडल है और कौन उसके प्रमोटर्स हैं, कैसी उसकी ग्रोथ है आने वाले टाइम में। और ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और इंडेक्स में भी होता है, डिफरेंट टाइप्स की रिसर्च होती है गाइस, उसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो लेकर आऊँगा रिसर्च के ऊपर, तो उसके लिए भी आप चैनल के साथ बने रहिएगा। बात करें पांचवी सबसे ज़रूरी चीज़ की, कि आप जब डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो उसके चार्जेस देखिए, और कितना उसके मिनिमम अकाउंट उसमें होता है, कुछ क्राइटेरिया कि आपको इतने पैसे रखने पड़ते हैं उसके अंदर, और कितनी उसकी टैक्स कितना लगा रहा है वो, अपना ब्रोकरेज कितना लगा रहा है। कुछ जो अमाउंट होती है वो फिक्स्ड होती है सेबी की तरफ से, बट कुछ अमाउंट ब्रोकर भी चार्ज करता है, तो वो देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा ब्रोकर सबसे कम ले रहा है,
उसमें ही आप अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, क्योंकि आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो वो ज़रूरी बहुत होता है, और अगर आपको कहीं ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए भी ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। बात करें छठी चीज़ की, तो वो होती है कि आप किस विज़न से मार्केट में एंटर कर रहे हैं, कि आपका विज़न क्या है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो उसके लिए आपको थोड़ा इंट्राडे और ट्रेडिंग की तरफ जाना होता है, बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो उसके लिए आपको पूरे मार्केट को स्टडी करना पड़ता है, पूरे स्टॉक को रिसर्च करना पड़ता है, और इसमें भी दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, वो मैं आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। तो यही था कुछ इस वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।